नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रदेश में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, इसके बाद और सख्ती की तैयारी है। इंदौर में शाम को हुई क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में शुक्रवार से बाजार रोजाना रात 10 बजे की बजाय 9 बजे बंद करने का निर्णय लिया गया है। सार्वजनिक रूप से होलिका दहन भी नहीं किया जा सकेगा। धर्मस्थल भी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। सिर्फ पुजारियों को ही पूजा करने की छूट दी गई है। संडे लॉकडाउन के साथ होली के दिन आवाजाही पर भी प्रतिबंध रहेगा। सीबीआई ने 3,700 करोड़ रुपए के 30 से ज्यादा बैंक धोखाधड़ी के मामलों में गुरुवार को भोपाल के दो और निवाड़ी के एक ठिकाने समेत देश के 11 राज्यों में 100 से अधिक स्थानों पर छापे मारे। इनमें भोपाल के दो बैंकों में 200 करोड़ का फर्जीवाड़ा सामने आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा में ज्योति पवार कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 196 करोड़ का फर्जी लोन के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। इसके साथ ही इंडियन ओवरसीज बैंक से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 4 करोड़ रुपए का लोन लेने का मामले में सीबीआई ने कार्रवाई की है। इंदौर में सभी धर्मस्थलों को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ पूजा होती रहेगी। अब रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू होगा। होलिका दहन नहीं होगा। लोग धुलेरी पर बाहर नहीं निकल सकेंगे। वहीं बुरहानपुर के शेखापुर गांव में गुरुवार रात 12 बजे से शनिवार रात 12 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। छिंदवाड़ा में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। भगोरिया मेलों में भीड़ को देखते हुए जोबट में लगने वाले मेले में झूले नहीं लगाने का आदेश बुधवार शाम एसडीएम श्यामवीर सिंह नरवरिया ने जारी किया। आदेश को लेकर जोबट में राजनीति शुरू हो गई है। इस पर कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया को सूचना मिलते ही वह मेले में पहुंची। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा और जोबट एसडीएम श्यामवीर सिंह पर तानाशाही के आरोप लगाए। विधायक ने कहा, एसडीएम भाजपा मंत्री के दामाद है तो क्या दादागिरी करेंगे। मध्य प्रदेश ने अपनी बाघिन सुंदरी उड़ीसा से वापस ले ली है। सुंदरी को बांधवगढ़ नेशनल टाइगर रिजर्व पार्क से बाघ महावीर के साथ 2018 में उड़ीसा के सतकोसिया राष्ट्रीय उद्यान में भेजा गया था। यहां पर मानव संघर्ष के बाद दोनों को बाड़े में रखा गया था। कुछ दिन बाद महावीर की मौत हो गई थी। बवाल मचने पर मध्य प्रदेश सरकार ने सुंदरी को वापस करने के लिए दबाव बनाया। मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट तक पहुंचा। इस पर हाईकोर्ट ने बाघिन लाने के लिए आदेश दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ गुरुवार को दमोह पहुंचे। दमोह में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी अजय टंडन के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। कमलनाथ ने कहा कि बुंदेलखंड व दमोह देश की संस्कृति का प्रतीक है। हम दिल व रिश्ते जोड़ते हैं, किसी देश में ऐसा नहीं है। उपचुनाव से आप तय करें कि कौन से रास्ते पर जाना है, संस्कृति के रास्ते या फिर सौदेबाजी के। दमोह सौदेबाजी की राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगा। वहीं भाजपा और शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि वह घोषणाओं के मास्टर हैं। वह जब तक झूठ नहीं बोलते उनका खाना नहीं पचता है। समर शेड्यूल की शुरुआत में ही एयर इंडिया द्वारा जहां मुंबई और दिल्ली के लिए एक एक फ्लाइट शुरू की जा रही है, साथ ही भोपाल का पुणे कनेक्शन भी वर्तमान में मॉर्निंग के समय चल रही दिल्ली फ्लाइट के माध्यम से फिर जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा इंडिगो भी दो नए डेस्टिनेशन आगरा व प्रयागराज के लिए समर शेड्यूल में ही फ्लाइट शुरू करने जा रहा है। साथ ही भोपाल से दिल्ली व मुंबई के लिए चल रही फ्लाइट का शेड्यूल व नंबर इंडिगो द्वारा 28 मार्च से ही बदले जा रहे हैं। हालांकि फ्लाईबिग द्वारा समर शेड्यूल की शुरुआत में कोई फ्लाइट शुरू नहीं की जा रही है। मध्य प्रदेश में गेहूं, चना, मसूर और सरसों की सरकारी खरीदी 27 मार्च से शुरू हो रही है। फसलों का उपार्जन कोरोना की दूसरी लहर आने के दौरान किया जा रहा है। ऐसे में सभी खरीदी केंद्रों में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश राज्य शासन ने दिए हैं, जिसमें कहा गया कि खरीदी के दौरान केंद्र में एक समय में 20 से अधिक किसान एकत्र नहीं हो सकेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS TV पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप।